हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्राई कलर सैंडविचेस। ये बहुत ही सिंपल डिश है, बहुत ही सरल है बनाने में और बहुत ही सुंदर दिखती है। और आप इसको बच्चों के टिफिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं हाई टी के लिए तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये वीडियो देखिए, ये सैंडविचेस ट्राई कीजिए और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बनाने जा रहे हैं ट्राई कलर्ड सैंडविचेस, तीन कलर के सैंडविचेस। ये बच्चों में भी बहुत फेवरेट हैं और इसको हम टिफ़िन में भी रख सकते हैं बच्चों के लिए। और अगर जब हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो हमें हाई टी के लिए या स्नैक्स के लिए या ब्रेकफास्ट में भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिश हो जाती है। तो देखिए, इसमें आप जैसे आप देख रहे हैं, इसमें एक में मैंने रखी है मलाई, इसको मैं थोड़ी और फेंटूंगी अभी। एंड ये रखा है टमाटो सॉस, और ये देखेंगे आप, ये खाली है, ये चटनी के लिए रखा है। अब हम एक ग्रीन चटनी बनाएंगे। इसमें आप देखिए, हरी धनिया है, थोड़ा सा अदरक है, चार पांच लहसुन की कलियां हैं और चार पांच छः मिर्ची है एंड नमक स्वाद अनुसार। ठीक है, अभी हम चटनी बनाएंगे इसकी और फिर इसमें रखेंगे। देखिए, आपके पास चॉइस है कि हम ये बटर के बदले, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को मलाई का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है तो आप उसमें बटर भी डाल सकते हैं। मैंने मलाई इसलिए ली है क्योंकि जब हम तीन कलर के सैंडविचेस बनाते हैं तो उसमें ये मलाई का वाइट कलर बहुत अच्छा और प्रोमिनेंटली अलग दिखाई देता है। हमने चटनी बना के रख ली है, देखिए ये हरी चटनी ऐसी है। इसमें हमने वो नहीं डाला है जीरा पाउडर, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि एकदम ग्रीन दिखाई दे। ठीक है, और सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने लिए हैं, अब हम लेते हैं चार ब्रेड एक बार में। आपको चार ब्रेड एक बार में लेना है। अब आप पहले उसमें लगाएंगे हरी चटनी, देखिए इस तरह से। अच्छी हमने हरी चटनी लगानी है इसमें पहले, देखिए। अब थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लगाइएगा चटनी, है ना, ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा आए और उसका कलर भी अच्छा आए, देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर एक लगाएंगे। बस आप ये देखिएगा कि एजेस सही हैं। ठीक है, ये लगाया। अब दूसरे उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि हम लगाएंगे मलाई। ठीक है, मलाई लगाएंगे क्योंकि हमें तीनों कलर्स दिखाने हैं और दो रेड एंड ग्रीन अलग करने हैं, इसके लिए हम बीच में लगाएंगे मलाई। एज आई सेड, जैसे मैंने बोला है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा ताकि जब हम उनको काटेंगे और जब वो डिस्प्ले होगा तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। कर लीजिए, देखिए इस तरह से, एजेस पे भी लगाइए। देखिए, ये हमने उसके ऊपर रख दिया है। अब हमारा आएगा लास्ट वाला जिसमें हम लगाएंगे केचप। देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये हमने केचप लगा दिया है। ठीक है, अब आप इसको हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब देखिए, हमें इसके काटना है, एजेस काटना है इसके हमें। सो हम एक चाकू लेते हैं जो बहुत ही पैना सा है, शार्प है, राइट। अब हम उसको एजेस काट देंगे पहले। कोशिश कीजिएगा कि एजेस अच्छे से कटें ताकि ब्राउन पोर्शन नहीं दिखाई दे। बच्चे इस बारे में बहुत पर्टिकुलर रहते हैं कि उनको एजेस ठीक से कटे हों। देखिए, ये वाला जो ब्रेड हमारा एजेस निकलते हैं, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम जब ये कट, तो आप इसके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस करके आप इसका ब्रेड का उपमा भी बना सकते हैं। बड़ा टेस्टी लगता है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेड में चटनी का टेस्ट है, केचप का टेस्ट है और मलाई का टेस्ट है। जब हम इनको स्क्वायर काट के जैसे उपमा बनाते हैं वैसे बनाएंगे तो उसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा आता है। देखिए, ब्रेड आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप सैंडविच के लिए ब्रेड लेते हैं तो आपको देखना है कि वो एक या दो दिन पुरानी हो। तो आप फ्रिज में रख दीजिए तो थोड़ा कड़क हो जाएगी। जो हमारी ब्रेड है, हमें थोड़ी फ्रेश लग रही है, इसलिए थोड़ा सा काटने में इसके एजेस दिक्कत हो रही है। देखिए, अब हम इसको तीन भाग में काटेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आपके तीन भाग जो कट रहे हैं वो बराबरी के हों। अब देखिए, इसको हम जब रखेंगे, देखिए हम जब इसको रखेंगे डिस्प्ले करेंगे तो इस तरह से करेंगे इसका। जब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर आपके एजेस नहीं कटे हैं, आराम से उसको काट लीजिए, एजेस निकाल लीजिए आप इधर से। यस, देखिए, ये देखिए, ठीक है।